किराना मर्चेंट के बड़े व्यापारियों ने अब रिटेल दुकानदारों को यह चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में आप कोई भी वस्तुओं के भाव न बढ़ाएं। अगर आप भाव अपनी ओर से बढ़ाते हो तो यकीनन आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। अभी इतवारी मर्चेंट एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष है प्रकाश चंद्र गोयल, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं और चिल्लर जो व्यापारी मतलब दुकानदार उनसे अगर पूछा जाए तो वो बोलते हैं होलसेल से जो है रेट बढ़कर आए हैं, तो क्या बताओगे? नहीं, ऐसा फिलहाल हमारी जानकारी में तो नहीं आया है। हो सकता है कुछ चिल्लर वाले इस तरह की हरकतें कर रहे हो, लेकिन हमारा जो मार्केट है इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का जो इतवारी एरिया में है, यहाँ फिलहाल किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़े हुए। और जब तक हमने भरोसा दिया प्रशासन को भी कि जब तक हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम जनता आम जनता के लिए प्रोवाइड करते रहें। तो सचिव भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानते हैं कि जो मार्केट में अभी स्थिति हुई है लॉकडाउन के बाद, जिस तरह से चिल्लर व्यापारी है बड़ा चढ़ा कर जो है चीज़ों के दाम बड़ा चढ़ा कर बेच रहे हैं चिल्लर में हो, और वो कहा जाता है कि होलसेल से ही हमें बढ़ा कर मिल रहा है, तो मार्केट में शॉर्टेज चीज़ का या क्या बताना? देखिए, जहाँ तक रेट बढ़ाने वाली बात है ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम जो रिटेलर है, एकदम रिटेलर वो लोग बढ़ाकर अगर बेच रहे होंगे उसका हम नहीं कह सकते। हमारे वहाँ होलसेलर है, हमने जैसे शुरू में 3-4 दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि शक्कर के दाम बढ़े हैं, हमने शक्कर का दाम को लेवलाइज कर दिया कि इसके ऊपर आपको बेचना ही नहीं है। और जहाँ तक माल कमी वाली बात आ रही है, ऐसा कोई कमी नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही हम कलेक्टर साहब के ऑफिस से आ रहे हैं, वहाँ भी हमें आश्वासन मिला है कि हमारी कोई भी गाड़ियाँ अगर रोकी जा रही हैं बाहर खाद्य वस्तुएँ, उन्हें शिकायत किया जाए, ट्रक नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर दिया जाए, तुरंत उसका परिहार कर देंगे। तो ये जो कालाबाजारी हो रही है, आप बढ़ चढ़ कर जो दाम है चीज़ों के दाम बेचे जा रहे हैं दामों में, तो कुछ इस तरह इस पर उपाय ना आपके एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात वो कालाबाजारी वाला शब्द हटा दीजिए, क्योंकि कालाबाजारी हमारे वहाँ से नहीं है। अब आपको कहाँ से कालाबाजारी वाला शब्द मिल रहा है मुझे नहीं मालूम। और जहाँ तक ये रोकने वाली बात है, जब तक हमें बाहर से, देखिए नागपुर में कोई चीज़ तो पैदा होती नहीं है, आटा रवा मैदा शक्कर हर चीज़ बाहर से ही आता है, तो जब तक हमें बाहर से सप्लाई मिलती रहेगी हम पूरा सप्लाई उसी फोर्स से करते रहेंगे और कर भी रहे हैं मौके पर। देखिए, हम रिटेल दुकानदारों को एक संदेश देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि किराना बाज़ार में जो भी चीज़ वो होलसेल में रेट में हमसे ले रहे हैं, हम मिनिमम नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा उनसे भी आग्रह है कि देश में जो संकट की घड़ी है, ऐसे समय कृपया करके वे भी मिनिमम या जो भी उन्हें खर्चा लग रहा है सिर्फ अपना वो जोड़ के आम जनता को प्रोवाइड करें, यही हमारी उनसे गुजारिश है। और हमें पूरी उम्मीद है कि व्यापारी भाइयों ने हमेशा ऐसी संकट के घड़ी में देश का साथ दिया है, और इस बार भी वो जरूर अपना करते हुए जरूर। धन्यवाद।